दिल्ली में बढ़ती गर्मी से फिलहाल राहत की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में हीट वेव के अनुमान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालांकि शाम के समय थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की उम्मीद अगले 2 दिन रहने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में लगातार बढ़ती गर्मी परेशानी का सबब बन गई है। इस बीच बिहार समेत यूपी के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते हीटवेव की संभावना है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिन हीटवेव की स्थिति दर्ज होने का अनुमान है। दिल्ली में मैडम आज भी जैसे टेम्परेचर कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है कल से, और यही स्थिति यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 44 से 46 के बीच में और आपका मिनिमम टेम्परेचर 30 के आसपास रहने की संभावना है अगले 4 से 5 दिन। ये लू विंड्स चल रही है, इसके चलते हमने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं दिल्ली के लिए, कल से येलो अलर्ट में चलेगा। इसके अलावा तापमान 44 से 47 डिग्री दर्ज किया जाएगा। बता दें, मौसम विभाग ने फिलहाल राहत की संभावना जाहिर नहीं की। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का अनुमान है, जिसका असर शाम के समय देखा जाएगा। जी, अगर हम देखते हैं कल एक पश्चिम विक्षोभ अभी आ गई है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की, या थंडरस्टॉर्म ना भी हो थोड़ा बादल आने की संभावना है। इसलिए आज और कल शाम को डे टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम के बाद थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली में मानसून आने का क्लाइमेटोलॉजिकल डेट है 29th या 30th of June, और अभी टाइम समय काफी है, मानसून एक सर्ज में आती है। अमूमन दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच जून अंत तक मानसून दस्तक दे सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।